आज शाम की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को एक बार फिर से दिया कि आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना उसकी स्तुति करने पा रहे हैं। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद और वचन में इस प्रकार से लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी प्रेमी महान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आज की शाम एक मन एक चित होकर दीन नम्र होकर अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास धन्यवाद देने के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रभु ये जीवन रूपी बहुमूल्य दान आपने हमें दिया है। आज हम जो जीवित हैं ये आपकी दया है, आपकी महाकरुणा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जबकि स्थिति प्रतिकूल होने के कारण हम अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम सब स्थानों में चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि सब बातों के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा दर गौरव जलाल आपको देते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज दुग्धोग सप्ताह की सभाओं के दूसरे दिन में जो शीर्षक मैंने आज के संदेश का लिया है वो है, यीशु हमारा फसा। यीशु हमारा फसा। जैसा कि यीशु काल में या यहूदियों के समय में फसा का जो पर्व मनाया जाता था, वही फसा के पर्व को आज हम दुग्धोग सप्ताह के रूप में मनाते हैं। फसा पर्व का महीना यहूदी धार्मिक वर्ष का पहला महीना बन गया। जब हम निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसके 2वें पद को पढ़ें तो हम इसका वर्णन पाते हैं। और इस महीने के 14वें दिन को दोपहर के बाद प्रत्येक घराने में इसराइली एक मेमना बलि किया करते थे, जिसे लोग आज के दिन की याद में खाते थे जो उन्होंने उस बलिदान की रात को खाया था। फसा पर्व के बाद के 7 दिन अखमीरी रोटी के होते थे। ये दोनों ही मिलाकर एक ही पर्व हुआ करता था। लूका उसके 22वें अध्याय और उसके 1वें पद को यदि हम देखें तो वहां लिखा है, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसा कहलाता है, अर्थात फसा और अखमीरी रोटी दोनों एक ही पर्व हैं। और जब हम इसके आरंभ को देखें प्रियो, तो उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में
हम फसा पर्व के वर्णन को पाते हैं। ये उस समय की बात है जब इसराइली मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को नियुक्त किया, उसको अगुआ ठहराया कि वो इसराइलियों को छुटकारा दे, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में मूसा ने इस कार्य को किया और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र में भेजी और ये 10वीं और अंतिम विपत्ति थी जिसके बाद फिरौन ने इसराइलियों को जाने दिया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को आज्ञा दी कि वे इस 10वीं विपत्ति होने के पहले अपने घरों में निर्दोष मेमना लें और उसको बलि करके उसके खून को अपने द्वार के दोनों अलंगों की चौखट पर लगाएं। और परमेश्वर कहता है कि मैं आज की रात अपने दूत को, मेरा दूत वहां से गुजरेगा। और हम देखते हैं कि मिस्र के क्या मनुष्य और क्या पशु सब के पहलौठे उस दिन मारे गए, लेकिन इसराइली जिन्होंने मेमने के लहू को अपने द्वारों के अलंग की चौखटों में लगाया था, जिसको देखकर सरदूत या परमेश्वर का दूत उनको छोड़कर आगे बढ़ गया और वो लहू परमेश्वर के लिए एक चिन्ह ठहरा। वो लहू हमारे लिए या इसराइलियों के लिए छुटकारे का एक चिन्ह ठहरा। और इस प्रकार इसराइली जो है मिस्र से छुड़ाए गए और इसी बंधुआई के छुटकारे को स्मरण करके यहूदी फसा पर्व मनाते थे। और परमेश्वर ने इसके साथ एक और आज्ञा दी थी कि बलिदान किए हुए मेमने के साथ अखमीरी रोटी खाई जाए। और इसलिए इन समयों में वे अखमीरी रोटी खाया करते थे। परमेश्वर ने कहा था कि अपने घर से सभी प्रकार के खमीर को हटा देना और यदि कोई इस दिनों में खमीरी रोटी खाए तो वो इसराइल में से नाश किया जाएगा। जैसा कि उस मेमने का लहू जो इसराइलियों के छुटकारे का एक चिन्ह बना, प्रियो यीशु भी हमारा वो मेमना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मेमना है। जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ें तो यूहन्ना लिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह वही मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जिस प्रकार से इसराइलियों का वो मेमना जिसके बलिदान होने के द्वारा इसराइलियों ने छुटकारा प्राप्त किया। हालांकि इस बात की भविष्यवाणी को हम पहले से पाते हैं जब यशैया उसके 53 अध्याय और उसके 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यशैया पहले से इस बात को बता दे रहा है। प्रियो, वो वहां लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसी तरह यर्मिया उसके 11वें अध्याय और उसके 19वें पद को यदि हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। पहले से परमेश्वर की योजना थी, पहले से परमेश्वर ने यह ठहरा दिया था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए उस मेमने का कार्य करे जो इस संसार के लोगों के पाप को उठा ले जाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो मेमना बलिदान किया गया। हमने देखा कि इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से उस मेमने को बलिदान किया और यीशु को भी उसी दिन क्रूसित किया गया जब यहूदी फसा के स्मरण में मेमने का बलिदान कर रहे थे। यीशु मसीह को उसी दिन क्रूसित किया गया जब यहूदी फसा के स्मरण में मेमने को बलिदान कर रहे थे। तीसरी बात, मेमने का लहू छुटकारे का चिन्ह है। मेमने का लहू छुटकारे का चिन्ह है। हमने देखा कि किस प्रकार से इसराइलियों के द्वार पर लगा हुआ वो लहू, वो चिन्ह उनकी रक्षा का कारण बना, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का वो रक्त जो हमारे लिए बहा, वो हमारे लिए छुटकारे का, मुक्ति का, उद्धार का कारण है। जब हम पुराने नियम में देखें, जब इसराइली सांपों के कारण से महामारी फैली, सांपों के कारण से लोग मर रहे थे और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप बनाकर उसको ऊंचे पर लटका दे, और हम देखते हैं कि जितने उन कष्टों में थे, पीड़ाओं में थे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वे चंगे किए गए। उसी प्रकार से हम देखते हैं राहब वेश्या, जब प्रभु के दूत उसके पास पहुंचे और जब उन्होंने उसको शरण दी और राहब वेश्या से कहा कि इस घर में, अपने घर में लाल सूत को वो बांधेगी जिसके द्वारा वो उनके लिए एक चिन्ह ठहरेगा, और जब इसराइली उस नगर में प्रवेश किए और उन्होंने उस चिन्ह के कारण, उस लाल सूत के कारण राहब वेश्या उसके पूरे परिवार को छोड़ दिया। आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह का लहू एक चिन्ह है। वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और वचन में और भी हम बातों को देखें तो वहां पाएंगे कि अब और किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी भेड़ की, बकरे की, गाय बैलों की, पशुओं के बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त हमारे लिए बहा दिया है और इसके द्वारा से हम छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। प्रियो, जैसे कि हमने पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में पढ़ा कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि अपने बीच से सब प्रकार की खमीर को
दूर करो। आज हमें अपने इस समय में जब हम इस पर्व में शामिल हैं, हमें अपने पापों को, हमें अपने गलतियों को, अपराधों को हमसे दूर करने की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि यदि हम में वो खमीर अभी भी बना हुआ होगा तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि यदि वे उस खमीरी रोटी को खाएंगे तो वे नाश किए जाएंगे, तो अब हम भी यदि हमारे जीवन में वो खमीर है, खमीर रूपी पाप है, तो हम भी नाश किए जाएंगे। और इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा है, फसा या जिसे इंग्लिश में पासवर कहा गया है, जिसका अर्थ छोड़ देना या लांघन पर्व के रूप में बताया जाता है। परमेश्वर ने उस लोहू के चिन्ह को देखकर इसराइलियों को छोड़ दिया। क्या आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के लोहू का वो चिन्ह है? आज हमें विचार करने की आवश्यकता है प्रियो कि क्या हम यीशु के लहू से शुद्ध हुए हैं? क्या हम उसके लहू की छाप हमारे मनों में, हमारे ऊपर बनी हुई है? यदि अब तक हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो हम आइए हम प्रभु के उस लहू को अपने जीवन में ले लें, ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को पा जाएं और अपने जीवन से उस खमीर रूपी पाप को दूर करें, और तब ही हमारा यह फसा पर्व या दुग्भोग सप्ताह को मनाना सार्थक होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।